हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे, ओके, जो कि आपको डिविडेंड तो दे ही रही है, ओके। 300 रुपये का पैनी स्टॉक भी है, 30 रुपये का पैनी स्टॉक है, और जो कि अब आपको भागता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि भागता हुआ नजर आएगा, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि भागता हुआ नजर आएगा? उसके पीछे रीज़न है कि वो शेयर आपको भागता हुआ नज़र क्यों आएगा। एज वेल एज बात करें डिविडेंड की, तो जो कंपनी आपने विप्रो सुना होगा, विप्रो देखिए 1-1 रुपये का डिविडेंड देती है। कितने रुपये का यहाँ देख सकते हैं आप, विप्रो है तो 1-1 रुपये का डिविडेंड देती है। और अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो ये कंपनी आपको कितने का डिविडेंड दे रही है, 1 रुपये 14 पैसे। एज वेल एज दोबारा बात करूँ तो अभी फिर अनाउंस किया 2020 में 2 बार डिविडेंड देने वाली कंपनी, और वो भी कितने रुपए का स्टॉक, 29 रुपए का। मल्टी बैगर स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है, ओके। क्यों रखना है, उसके पीछे का रीजन भी है। और इनके बात बताऊं कि इनकी अच्छी खासी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एक और अच्छा खासा गवर्नमेंट कंपनी है ये। बट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, ओके, जानते हैं वीडियो के बारे में, शेयर के बारे में जानते हैं। बट बिफोर दैट हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो लाता रहूँ। एज वेल एज देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, एक वीडियो है, ओके। मैं इस वीडियो को आपको देखने के लिए कहूँगा। क्यों कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो। मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, बट हमें 5,000 में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे केवल थोड़ी सी कंपनी में। और थोड़ी सी कंपनी का डेटा कैसे पुल करना है, और अच्छी कंपनी का, कि डेट फ्री भी हो, मार्केट कैपिटल भी अच्छा हो, लार्ज कैप कंपनी हो, ओके, उसका ROCE अच्छा हो, उसका CAGR अच्छा हो, ऐसी कंपनी को चूज़ करने के लिए ये एक वीडियो है। इसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा, इसलिए ही मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। वरना मैं आपको नहीं कहता कि आप मेरी दूसरी वीडियोज़ देखिए, कोई मैटर नहीं करता, बट इसे देखेंगे आपका फायदा होगा, इसलिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, और डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, और श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, और अपने जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए एक दान करिए, पुण्य का काम है, ओके। इस तरीके के काम करने से आपको पैसा हमेशा बढ़ता ही है। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं ना, यहाँ पर अगर देखें तो डेट फ्री कंपनी तो नहीं है, ओके, डेट तो है, बट डेट के बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे प्लेजिंग परसेंटेज भी बिल्कुल जीरो है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस कंपनी के, तो 52 वीक लो देखिए 10 रुपये का शेयर आ गया था 25 मार्च को। अगर बात करें 11 जन को 3500 रुपये पे शेयर कर रहा था, मतलब आपके पैसे को 3 गुना कर दिया था, कितने, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर भी नहीं लगे, और 3 गुना आपका पैसा कर दिया। 60 लाख के लगभग यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पर शेयर उठाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी नजर आ रही है। तो अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो देखिए कंपनी का नाम है RVNL। RVNL आपको पता ही है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, ओके। इसमें वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसके फाइनेंशियल डिस्कस करने वाले हैं, और क्यों पैनी स्टॉक कह रहा हूँ इसे, इसलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 19 अप्रैल 2019 में ये कंपनी नज़र आई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी में अच्छा खासा भागते हुए नज़र आई थी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं IRCTC भी देखिए इसी तरीके का पैटर्न बना रही है, और यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेशन, फिर इसके बाद OFS आने से पहले यहाँ पर कंपनी भागी थी, और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई थी, कंसोलिडेशन, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर जंप आया था। तो इसी तरीके का पैटर्न कुछ ये RVNL भी बना रही है। यहाँ पर देखिए OFS आया, तो OFS की वजह से यहाँ पर शेयर भागा, फिर ये कंसोलिडेशन गिरावट, ओके, थोड़ी बहुत गिरावट शायद हो सकती है, बट इसके बाद ये शेयर, एक डेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये शेयर कंपनी भागती हुई नजर आएगी। और ये कंपनी कितने पे जाके रुकेगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कब, जो इसके मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें RVNL की आगे की, तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर ये कंपनी का जो स्टेक, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए फेस वैल्यू भी 10 है, तो आगे चल के ना आपको बोनस भी दिया जाएगा, ओके, आगे चल के यहाँ पर स्प्लिट भी मिलेगा, और राइट इशू भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो आपको स्प्लिट तो मिलना ही मिलना है, और कंपनी अच्छी खासी है, तो आपको बोनस भी मिलना है, डिविडेंड कंपनी दे ही रही है, ओके। अगर बात करें यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फाइनेंशियल्स क्या है। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा हम स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा बताता हूँ छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, ओके। तो इसमें भी देखिए थोड़ा ही बहुत इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बट ये भी मार्केट में मोनोपोली बिजनेस एक्वायर करती है। मोनोपोली क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि देखिए IRCTC क्या है, IRCTC रेलवे के रेलवे कंपनी है, ओके, जितनी भी टिकट बुक होती है इसी से होती है। बट अगर रेलवे ट्रैक वगैरह बनाना है, ओके, अगर कुछ भी रेलवे से रिलेटेड काम करना है तो कौन करेगा, ये काम करेगा केवल RVNL, और किसी को नहीं जा रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लाइन बनानी है, तो यहाँ पर ये जो इनका प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोग्रेस में, न्यू लाइन बनानी है तो किसे दिया जाएगा, RVNL, ओके, इसकी मरम्मत करनी है तो क्या दिया जाएगा, RVNL, कब अगर और लाइन को और बढ़ाना है तो किसे दिया जाएगा, RVNL, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ओके, ऊपर की तरफ जो यहाँ तारे जा रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू, इलेक्ट्रिक के थ्रू ये ट्रेन चलती है, तो इसका प्रोजेक्ट किसे दिया जाएगा, RVNL। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज से रिलेटेड, ओके, डबलिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो लाइन, न्यू लाइन, तो इस तरीके प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस है इनके, आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, तो आप देख सकते हैं कि इनकी बुक वैल्यू क्या होगी, इनके पास प्रोजेक्ट है जो कितने लाख करोड़ रुपए के होंगे, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज डूइंग बिजनेस, और एक तलवार थी इसके पास ही, कौन सी लटक रही थी, तो वो थी OFS की। OFS यहाँ पर कंपनी में आ चुका है, देखिए RVNL का OFS आ चुका है। यहाँ पर देखिए पहले गवर्नमेंट का स्टेक 87% था, जो कि अभी 15% घटा के 72% स्टेक केवल गवर्नमेंट का रह गया। और किसने खरीद लिया है, अगर बात करूं तो इसमें 8% स्टेक खरीदा है LIC ने। LIC ने यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, ओके, 8% का, और बाकी FIIs ने भी खरीदा होगा, और DIIs ने भी खरीदा होगा, पब्लिक ने भी खरीदा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सब चीज बातें। और डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, और 9 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, ओके, 8 तारीख को आई थिंक एक्स डेट है, और 7 तारीख के आसपास अगर आप शेयर ले लेते तो आपको ये डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा, 1 रुपये के आसपास किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपये 14 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस हुआ है। और बात करें 10 रुपये की फेस वैल्यू भी है, तो रिकॉर्ड डेट 9 अप्रैल है, बट उससे पहले मतलब एक्स डेट आई थिंक 8 अप्रैल है, और 7 के आसपास आपको खरीदना होगा तो आपको ये मिलता हुआ नज़र आएगा, डिविडेंड आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, देखिए छोटी कंपनी है, ओके, नो डाउट, बट इनके जो मुझे नज़र आता है ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न देगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट देखो ना, RCTC से रिलेटेड जितने भी रेलवे से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन करेगा, RVNL करेगी। RVNL जब काम करेगी तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया में पूरे में देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है, जो नर्व्स कहते हैं, वो सारा का सारा कौन करता है, रेलवे रेलवे ही चलती है। यहाँ पर पब्लिक किससे ट्रेवल करती है, रेलवे से करती है, तो उसे मरम्मत भी करनी होगी, मरम्मत करेगी कौन करेगी, RVNL, ओके, न्यू लाइन बनाएगी, RVNL, इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी, RVNL, सब RVNL करनी है। तो आपको पता ही है कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कितना बड़ा हमारा जाल है यहाँ पर रेलवे का, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स देखिए अच्छी खासी सेल्स है, इस बार की सेल्स सबसे ज़्यादा पूरे पूरे आप देख सकते हैं पूरे क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ओके, एज और तब जब यहाँ पर पेंडामिक है। और यहाँ पर सेल्स ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि देखिए ट्रेन चलना शुरू हो रही है धीरे धीरे, और उसको अब कहते हैं ना, कुछ चीज़ चलाने से पहले काफ़ी दिन बंद होती है और फिर उसके बाद चलाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, देखिए RVNL ही काम करेगी, ट्रेन की मरम्मत यही करेगी। प्रॉफिट भी देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस बार का हुआ 342 करोड़, अगर बात करेंगे ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट देखिए, जहाँ पर 2 साल पहले 337 करोड़ का प्रॉफिट था, आज की डेट में 857 करोड़ का प्रॉफिट है, तो कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, ओके। अगर बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं तो रिजर्व्स अच्छा खासा है 3360 करोड़, बट बोरोइंग भी है, तो बोरोइंग भी कौन ये बोरिंग किस लिए ले रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, तो कंपनी को पैसे की ऑब्वियसली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा ज़रूरत रहती है, तो अब यहाँ पर बोरिंग है, बट गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी बोरिंग हो बट ये कंपनी ऊपर जाने वाली ही है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें 1387 करोड़ का कैश है, 1661 करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो चुका है, अब यहाँ पर अपडेट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 87 था जो कि बेच चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पर LIC ने 8%, और यहाँ पर आपको 72% के आसपास यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हैं 72.84। अगर यहाँ पर और भी बात करें तो DIS के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी LIC भी यहाँ पर नाम चल, LIC के पास थोड़ा सा ही था पहले, बेच दिया था, फिर LIC ने दोबारा 8% स्टेक खरीदा है, तो जो कि आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, FIIs भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और पब्लिक भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो कंपनी मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। OFS आ चुका है और यहाँ पर कंपनी आगे की
के टाइम पे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, और बहुत तेज बढ़ती हुई नजर आएगी, और बहुत तेज भागती हुई नजर आएगी। तो इसलिए कहना चाहता हूँ इसमें धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे क्वार्टरली रिजल्ट देख के इस बार के ओके, एज वेल एज थोड़ा और डिप मिले तो धीरे धीरे आप इस शेयर को एक्यूमुलेट करते रहिएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कोई भी ये नॉलेजेबल वीडियो है ओके, बाइंग सेलिंग की कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई भी पोजिशन लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें एक फैमिली क्रिएट करनी है जैसे कि हमेशा मैं आपको बोलता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी फैलाइए ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो देखे और नॉलेज गेन करे और पैसा मार्केट से कमाए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।